हेलो दोस्तों, आज हम एक और नया प्रोडक्ट आपके लिए लेकर आए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम आपके लिए एक स्पीकर लेकर आए हैं जो कि MI का है। MI यानी Xiaomi का है। इसको हमने पहले ही ओपन कर लिया था, आज हम इसके फीचर्स और इसका फुल रिव्यू करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने ये ओपन कर रखा है, इससे पहले बॉक्स पर देख लेते हैं। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे यहाँ पर TWS का ऑप्शन दिया हुआ है कि आप इसको जो है किसी और स्पीकर जो सेम ऐसा स्पीकर होगा इन दोनों को आपस में पेयर कर पाएंगे। तो TWS फीचर ऐसे काम करता है। यहाँ पर भी लिखा है कि अगर आपको पेयर करना है तो आपको सेम दो डिवाइस चाहिए, तब आप TWS का यूज़ कर पाएंगे। इसके बाद आते हैं फ्रंट। यहाँ पर आपको कई फीचर्स इन्होंने लिखे हुए हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो कई फीचर्स आपको लिखे हुए हैं, अभी इनके बारे में आपको बताएंगे। ऊपर ब्रांडिंग दी हुई है मी का लोगो, इसके अलावा मी का पोर्टेबल स्पीकर लिखा हुआ है, 16 वॉट इन्होंने लिखा हुआ है। यहाँ पिक्चर्स दी हुई है, इसके अलावा यहाँ पर सभी फीचर्स लिखे हैं, सेम यही फीचर्स यहाँ पर भी लिखे गए हैं। यहाँ ऊपर भी मी का लोगो, 16 वॉट का स्पीकर, ब्लूटूथ स्पीकर लिखा हुआ है। इसके बाद आपको यहाँ पर 6 फीचर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले आपको 16 वॉट का हाई क्वालिटी साउंड मिल जाता है, TWS का फीचर मिलता है, यानी कि आप इसको दो सेम स्पीकर्स को आपस में कनेक्ट करके एज ए स्टीरियो साउंड का मजा ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर को डुअल इक्वलाइजर मोड भी मिलता है, वो आपको दिखाएंगे आगे। 13 आवर्स ऑफ प्लेबैक यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। सेकंड लास्ट आपको IPX7 यानी कि वाटरप्रूफ भी आपको ये मिल जाता है। लास्ट में इनबिल्ट माइक इसमें दिखाया हुआ है कि इसमें इनबिल्ट माइक भी है, साथ में यहाँ पर ब्लूटूथ 5.0 लिखा हुआ है। यहाँ पर इसके बारे में सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी है, यहाँ पर भी स्पीकर के बारे में लिखा है, मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी है। यहाँ पर प्राइस देखेंगे तो प्राइस आपको 3499 का दिया है, लेकिन ये आपको इससे सस्ता मिल जाता है। यहाँ पर कलर हमने ब्लू लिया हुआ है और बॉक्स पर कुछ भी नहीं है, इसको ओपन करने के लिए कुछ नहीं करना। इस तरह की एक सील लगी आती है, ये हमने पहले ही निकाल दी थी ओपन करने के बाद। चलिए देख लेते हैं अब क्या क्या है इसमें। आपको इस तरह का एक बॉक्स मिलेगा जिसमें आपको कुछ ज़्यादा नहीं, एक टाइप ए टू टाइप सी केबल मिलेगी आपको, टाइप ए टू टाइप सी केबल। इसके अलावा एक यूज़र मैनुअल मिल जाएगी, पर इसकी आपको कोई खास ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके बारे में हम बता देंगे आपको। चलिए देख लेते हैं आगे क्या मिलता है। पैकिंग काफ़ी अच्छी की गई है। यहाँ पर एक स्पीकर मिलता है, इसको बॉक्स को साइड में करते हैं। ये आपको स्पीकर मिल जाता है, हमने पहले ही इसको ओपन किया हुआ था। अब फिज़िकल ओवरव्यू पर आते हैं तो यहाँ पर पूरा जो फिनिश दिया हुआ है, ये एक जैसे कपड़े का कोई फिनिश होता है तो उस फिनिश में दिया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा सा लगता है। और क्योंकि ये मैट फिनिश में है तो वो भी अच्छा लगता है। यहाँ पर ये सिलिकॉन मटेरियल लगाया हुआ है, बाकी साइड में चारों तरफ एक कपड़े जैसा मटेरियल लगाया हुआ है। यहाँ पर ये दो रबड़ पैडिंग दिए, लेकिन इन रबड़ पैडिंग की क्वालिटी कुछ अच्छी नहीं है। देखिए यूँ ही ये निकल रही हैं, कोई खास अच्छे से ये नहीं लगाई गई हैं, तो इनको थोड़ा सा इम्प्रूव किया जा सकता था। इसके अलावा यहाँ पर ये प्लास्टिक है, यहाँ पर भी प्लास्टिक है। ये आपको एक स्ट्रैप दिया है, स्ट्रैप भी अच्छा दिया जा सकता था, लेकिन क्या करें, आजकल कंपनियां छोटी छोटी कॉस्ट कटिंग करती हैं। अब आपको ये लगेगा कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखेंगे तो इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक टाइप सी पोर्ट और एक ऑक्स इन का पोर्ट आपको दिखाई दे जाएगा। टाइप सी पोर्ट का काम आपको पता ही है, इसको चार्जिंग करने के लिए, ऑक्स के लिए आप इसको वायर्ड किसी ऑक्स केबल से कनेक्ट करके इसमें सॉन्ग्स को प्ले कर सकते हैं। और इसको आपको अच्छे से लगाना है क्योंकि ये वाटरप्रूफ है, तो ये लगा रहना चाहिए। अब आ जाते हैं ऊपर बटन्स पर। यहाँ पर ब्रांडिंग दी हुई है, इसके बाद यहाँ पर एक इंडिकेटिंग लाइट मिल जाती है, ये पावर ऑन ऑफ का बटन है। यहाँ पर आपको प्ले पॉज का बटन मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर एक आपको ब्लूटूथ का आइकन दिखाई दे रहा है, जो कि ब्लूटूथ पेयरिंग के लिए बटन दिया है। लास्ट में आपको जो बटन दिया है, ये TWS ट्रू वायरलेस स्टीरियो स्पीकर कनेक्ट करने के लिए। आपके पास सेम ऐसा ही स्पीकर होगा तो आप दोनों स्पीकर्स को एक साथ कनेक्ट करके स्टीरियो साउंड्स का इफेक्ट ले पाएंगे। हाँ, यहाँ पर एक माइक भी दिया हुआ है, इनबिल्ट माइक है, उसकी क्वालिटी भी आपको अभी सुनाएंगे कैसी लगती है। इसका जो मटेरियल है वो काफ़ी अच्छा लगता है और ये ब्लू कलर में काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब हाथ में थोड़ा सॉलिड है, ऐसा नहीं कि ये बहुत ही हल्का स्पीकर प्लास्टिक का लग रहा है, सॉलिड स्पीकर है। लेकिन हाँ, इसका वेट भी ज़्यादा है, मैं आपको बताऊँ, हमने पिछली बार आपको जो ट्रिबिट का स्पीकर दिखाया था वो इसके कंपेरिजन में काफ़ी लाइट वेट का है, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी है और काफ़ी ज़्यादा वेटी भी है, इसमें वेट भी ज़्यादा है। तो अब इसको ओपन करके मैं आपको इसको ऑन करके दिखा देते हैं। आपको कुछ नहीं, बस आपको इसको प्रेस करके रखना है, पावर ऑन, इस तरह से ये, हाँ इस तरह से ये साउंड प्रोड्यूस करता है। ये ऑन हो गया है, साथ ही इसने बता दिया है अब ये ब्लूटूथ पेयरिंग पर है। चलिए कोई अपना एक डिवाइस कनेक्ट करके देख लेते हैं हम। मैं ब्लूटूथ से इसको कनेक्ट कर रहा हूँ।
व्हिच इज कनेक्टेड। अब ये ब्लूटूथ इसमें कनेक्ट हो चुका है, चलिए इसमें कोई सॉन्ग चलाकर देख लेते हैं अब। तो चलिए दोस्तों अब साउंड क्वालिटी की बात कर लेते हैं। इसमें साउंड क्वालिटी कैसे मिलती है, मैंने ये पहले से ही पेयर कर लिया था, मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ सॉन्ग्स प्ले करके। Where we began, oh, I'll tell you all every as you go. सबसे पहले फीचर के लिए इसको ऑन कर लेते हैं हम। पावर ऑन। अब अगर आप यहां पर इसी पावर बटन को दोबारा से प्रेस करते हैं तो ये बैटरी परसेंटेज बताता है। बैटरी पावर अबाउट 70%। ज्यादातर स्पीकर्स में ये फीचर नहीं होता है, हमें ब्लूटूथ की सेटिंग में जाकर बैटरी परसेंटेज चेक करनी पड़ती है, लेकिन हम यहाँ पर ही इसकी बैटरी को चेक कर सकते हैं कितने परसेंट बैटरी बची है। अब दूसरे फीचर के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं यहाँ पे एक माइक्रोफोन दिया हुआ है जिसको आप कॉलिंग के दौरान अच्छे से यूज कर सकते हैं और इसका रिसेप्शन काफी अच्छा है। अब ये स्पीकर का माइक्रोफोन मेरे से 1 फुट की दूरी पर है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वॉइस को। अब ये स्पीकर मेरे से करीब 2 फीट की दूरी पर हो, अब मैं 3 फुट की दूरी से बात कर रहा हूँ और अब मैं 4 फुट की दूरी से बात कर रहा हूँ। आप चेक कर सकते हैं कि आपको क्वालिटी कैसी आ रही होगी, इसी से आपको इस स्पीकर के माइक्रोफोन का आइडिया लग जाएगा इस स्पीकर का माइक्रोफोन कैसे काम करता है। थर्ड फीचर जो है वो ड्यूल इक्वलाइजर मोड इसमें दिया हुआ है, उसके लिए आपको प्लस के आइकन को और प्ले पॉज के बटन को एक साथ दबाना होगा, जैसे मैं दबा के दिखाता हूँ आपको। डीप बेस, यानी कि इसमें बेस थोड़ी सी बढ़ जाती है, फिर दोबारा इन दोनों को आप प्रेस करेंगे नॉर्मल मोड पे आ गया। एक बार कोई सॉन्ग चला के मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी ये नॉर्मल मोड पर है, मैं एक बार डीप बेस पे क्लिक करता हूँ। थोड़ा सा इफेक्ट आता है, थोड़ी सी बेस इसमें इंक्रीज हो जाती है तो ये फीचर थोड़ा सा काम करता है, लेकिन इस फीचर को ऑन करने के बाद थोड़ा सा डिस्टॉर्शन वॉइस में बढ़ जाता है क्योंकि बेस बढ़ रही है तो डिस्टॉर्शन ऑब्वियसली थोड़ा सा तो बढ़ेगा ही। फीचर जो कंपनी ने बताया है वो है IPX7 यानी वाटरप्रूफ, उसको भी हम टेस्ट कर लेते हैं। अब मैं इस स्पीकर को पानी में डालने जा रहा हूँ, चलिए देख लेते हैं कैसा लगता है। मैंने फिलहाल इसमें पानी में डालने जा रहे हैं हम इसको। कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, यहाँ तक कि यहाँ पर एड्रेस भी लिखा हुआ है। पानी में भी चल रहा है फिलहाल, पास आया हुआ है। इसके अलावा इसमें आपको जो MRP लिखी है, MRP यहाँ पर 3499 पे लिखी है, लेकिन हमें इस रेट से कम में ये मिल जाता है। अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर वाटरप्रूफ IPX7 कोई इशू नहीं है, ये IPX7 इन्होंने ब्लूटूथ वर्जन है, यहाँ पर लॉन्ग बैटरी लाइफ है, सुपीरियर साउंड, साउंड के बारे में बाद में बात करते हैं।
बटन भी सही काम कर रहे हैं, फेयरिंग को भी सपोर्ट करता है, तो ये बटन वगैरह सब सही काम कर रहे हैं, तो ये वाटरप्रूफ भी इसका टेस्ट हो गया है। लास्ट फीचर ये है, इसमें ऑटो पावर ऑफ का फीचर दिया हुआ है। जब कोई भी ब्लूटूथ इससे कनेक्ट नहीं होगा तो थोड़ी देर बाद ये अपने आप ऑटोमेटिकली ही स्विच ऑफ हो जाता है। इससे आपके जो स्पीकर है उसकी बैटरी काफ़ी बचती है, काफ़ी सेव रहती है। अब बात कर लेते हैं इसकी बैटरी बैकअप और बैटरी लाइफ की। अगर इसको आपको चार्ज करना है तो लगभग ये 2 से 2.25 घंटे में पूरा चार्ज हो जाता है। मैंने 10 से लेकर 100% पर चार्ज किया था, तो इसको लगभग 2 घंटे 10 मिनट का टाइम इसने लिया था। तो मुझे लगता है कि ये 0 से 100% पे ये 2.25 घंटे के अंदर या 2.5 घंटे के अंदर अंदर आपका ये फुल चार्ज हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इसकी बैटरी लाइफ कितनी है, यानी कि ये कितना प्लेबैक दे पाता है। कंपनी क्लेम करती है ये 13 आवर्स का नॉनस्टॉप प्लेबैक दे सकता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि मान लीजिए आप इसको सुन रहे हैं फुल वॉल्यूम पर, यानी कि आपने इसमें डीप बेस को भी ऑन किया हुआ है, तो ये लगभग आपको 5.5 से 6 घंटे का टाइम दे पाता है, इससे ज़्यादा नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर आप इसको 60-70% वॉल्यूम पर सुन रहे हैं तो ये आपको आराम से 7 घंटे का बैटरी लाइफ दे देता है। ये 70% के आसपास मैंने इसको यूज़ करके देखा है, 70% पे ये 7 घंटे के आसपास का प्लेबैक टाइम दे देता है, तो 7 घंटे तो चला सकते हैं। उसके बाद जैसे जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाते रहेंगे तो वैसे वैसे इसका प्लेबैक टाइम कम होता रहेगा। अब इसके बाद लास्ट जो बात बनती है कि क्या हमें ये स्पीकर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो अगर मैं आपको साफ साफ सही सही शब्दों में बताऊं तो आप इस स्पीकर को ले सकते हैं अगर आपको ज़्यादा बेस चाहिए, ज़्यादा लाउडनेस चाहिए, तो उन कंडीशन में ये एक अच्छा स्पीकर हो सकता है कि आपको 16 वॉट का स्पीकर है, क्योंकि इसमें यहाँ पर 2 स्पीकर दे हुए हैं, 8-8 वॉट के 2 स्पीकर हैं, तो इसका लाउडनेस काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, ये कह सकते हैं कि इसका वेट भी ज़्यादा है, लाउडनेस ज़्यादा है और इसका वेट भी ज़्यादा है, साथ में इसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा है, क्योंकि पिछली बार जो हमने स्पीकर रिव्यू किया था उसका जो साइज है वो इससे काफ़ी कॉम्पैक्ट है और वो लाइट वेट भी है इसके मुकाबले। ये ट्रिबिट का स्पीकर था, इसका रिव्यू भी मैं अपने चैनल पर डाल चुका हूँ, तो आप वहाँ पर जाकर, हमारे चैनल पर जाकर या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहाँ से जाकर आप इसका रिव्यू देख सकते हैं। और आप देखेंगे तो साइज़ में भी बहुत फ़र्क है, तो इन दोनों का कंपैरिजन भी मैं लाने वाला हूं, तो आप इसके लिए चैनल पर बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। अब मैं ये बता रहा था कि इसका जो साइज़ है ना, इसके मुकाबले आप देखें तो काफ़ी बड़ा है। इसका भी 16 वॉट का आउटपुट है, इसका भी 16 वॉट का आउटपुट है, ये काफ़ी हैवी है, ये काफ़ी लाइट वेट है, तो मेरे हिसाब से ये कहने के लिए तो पोर्टेबल स्पीकर है, लेकिन पोर्टेबल ये है नहीं, क्योंकि ये काफ़ी हैवी सा और काफ़ी बड़ा लगता है। लेकिन अगर आपके पास बैग में कैरी करते हैं, आपके पास बैग है, बैग को कैरी करते हैं, तो उसमें आप इसको डालकर ले जा सकते हैं, तो मेरे हिसाब से ये स्पीकर लिया जा सकता है। साउंड क्वालिटी इतनी बुरी नहीं है, आप ये मान के चलिए कि अगर आप सुनते हैं, कोई गाना सुन रहे हैं, तो अगर आपने ट्रिबिट का स्पीकर यूज़ नहीं किया है तो आपको इसकी साउंड क्वालिटी अच्छी लगने वाली है। और इसमें जो डुअल इक्वलाइजर मोड जो दिया है, जिसमें डीप बेस का ऑप्शन आता है, वो भी ठीक ठाक है। उसमें मेन दिक्कत ये है कि डिस्टॉर्शन आता है थोड़ा सा, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उसमें, डिस्टॉर्शन आता है, लेकिन नॉर्मल बोर्ड पर जब आप सुनते हैं तो 90 तक सुनिए, कोई डिस्टॉर्शन नहीं है। 90 के बाद हल्का सा, बिल्कुल ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आता है, वो मामूली सा है, वो आपको शायद पता भी ना चले, तो इतना ही डिस्टॉर्शन है, ज़्यादा नहीं है। साउंड क्वालिटी बेस अच्छा है, लाउडनेस बहुत अच्छी है। अगर मैं साउंड क्वालिटी को अगर रेट करूँ, 5 में से मेरे को साउंड क्वालिटी को रेट करना हो तो 3-3.5 के आसपास, 3.5 स्टार मैं इसको देना चाहूँगा। ट्रिबिट को मैं 4 स्टार देना चाहूँगा। तो मेरे हिसाब से ये स्पीकर भी लिया जा सकता है, क्योंकि इसमें लाउडनेस काफ़ी अच्छी है, और दूसरा इसमें 2 स्पीकर एक साथ पेयर करके आप जो है ज़्यादा साउंड और प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो आप इस स्पीकर को ले सकते हैं। 3499 इसका MRP है, ये आपको 2200 या फिर 2400 इन दोनों के बीच, 2200 से 2400 के बीच आपको ये स्पीकर मिल जाता है, तो 2400 से 2200 के बीच ये स्पीकर लेने लायक है, क्योंकि इसकी साउंड काफ़ी तेज है, लाउड है, तो आपको लाउड स्पीकर, जिसकी साउंड ज़्यादा लाउड है वो आपको चाहिए, तो आप इस स्पीकर को ले सकते हैं। और बेस अगर आपको चाहिए, आप हैवी बेस सुनते हैं, धम धम जो बजता है, हैवी बेस जो सुनते हैं, उनके लिए भी ये स्पीकर ठीक है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आपको ऐसी ही वीडियो देखना अगर आपको पसंद है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर और सब्सक्राइब करके भी जा सकते हैं। चलिए अगली वीडियो में मिलेंगे आपसे। थैंक यू।